Hello guys and welcome back to my channel Sirf IAS. What is moral luck? Actually ये ethics का एक ऐसा topic है जो जब मैंने ethics पढ़ाई थी तो मैंने देखा कि कहीं पे भी इसके बारे में available नहीं है apart from जितने भी foreign videos होते हैं उसके अलावा. तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक dedicated video बनाई जाए. तो ये आपको समझाऊंगी. शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. देखिए मॉरल लक का मतलब क्या है, अगर मोटे तौर पे हम इसको समझें तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे जो मॉरल एजेंट है इसे मॉरल ब्लेम या प्रेस, इसकी तारीफ हो रही है, इस पर इल्ज़ाम लगता है इसके किए गए ऐसे एक्शन या कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से, इवन इफ इट इज क्लियर दैट सेड एजेंट डिड नॉट फुल कंट्रोल ओवर एंड ईदर द एक्शन ऑफ हिज कॉन्सिक्वेंसेस. बल्कि ये समझिए कि किसी इंसान पे इल्ज़ाम लग रहा है या उसकी तारीफ हो रही है ऐसी वजह से जिस पे उसका पूरी तरह से कंट्रोल ही नहीं था. तो अब ये आपको एक कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट करेगा कि मैम इसका मतलब क्या हुआ. मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसको थ्रू एग्जाम्पल इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से. बट थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं. देखिए अनअकैडमी पे कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं बहुत गजब के, जो कि 30 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं. 1, 2 और 3 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के अगर आप लेते हो तो वैसे ही ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में डिफरेंसेस चल रहे थे. मतलब 25% ऑफ था विद ऑप्शनल और 10% ऑफ था बाय यूजिंग माय रेफरल कोड सिर्फ आई एस, जो कि कंपलसरी है यूज़ करना. लेकिन अभी 30 नवंबर तक 2500 रुपीज़ का फ्लैट एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है. तो आप प्राइसेस देख लीजिए कितने ज़्यादा कम हो गए हैं. इसके साथ आपको 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलता है 1 ईयर अबव प्लस ईयर्स और प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे. यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं और नया बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है. इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको 2022 और 23 के प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं. साथ में आपको मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज और 20 GS बुक्स जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल हैं. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानेट, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और काफ़ी कुछ ऐसा मिलता है जो आपको कहीं किसी ऑफलाइन में नहीं मिलेगा. अब कमिंग बैक टू टॉपिक, मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे किसी इंसान का उस सर्कमस्टेंसेस पे, उस कॉन्सिक्वेंस पे, उस अपने एक्शन पे फुल कंट्रोल नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उसी वजह से उस पे ब्लेम लगता है, प्रेस लगता है. तो अब ऐसे आप कैसे समझोगे. पहले आप ये समझो कि ये टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया. इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है बर्नार्ड विलियम्स ने एंड हैज़ बीन डेवलप अलॉन्ग विद इट्स सिग्निफिकेंस टू अ कोहेरेंट मॉरल थ्योरी बाय विलियम्स एंड थॉमस निगल इन देयर रिस्पेक्टिव एसेज ऑन द सब्जेक्ट. तो ये बर्नार्ड विलियम्स ने किया है. आइए आपको समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है मॉरल लक के साथ में. देखो अब गिवन द नोशन ऑफ इक्विटिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद वॉलंटरी एक्शन, हाउएवर मॉरल लक लीड्स टू काउंटर इंट्यूटिव सोल्यूशन. अब देखो इतना कुछ हम नहीं समझेंगे, हम सीधा क्या समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है. सपोज करो एक वाइट स्क्रीन लेके आपको समझाती हूँ. सपोज करिए कि दो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, एक हमारा ड्राइवर ए है और एक हमारा ड्राइवर बी है. एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ये भी कार ड्राइव कर रहा है ना, एक कार बना देते हैं. सपोज करो ये कार है, ये इसको भी ड्राइव कर रहा है और बी भी कार ड्राइव कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं. कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं, फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा तेज गाड़ी चला रहे हैं. होता क्या है कि यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है और सिग्नल रेड है, ओके, सिग्नल रेड है, लेकिन तब भी ये लोग दोनों ही ऐसा करते हैं, इतनी तेज चलाते हैं कि ये दोनों ही सिग्नल तोड़ते हुए आगे भाग जाते हैं, निकल जाते हैं. अचानक से क्या होता है कि एक लड़का ए के सामने आ जाता है कार के और उसके कार से लड़ने से मौत हो जाती है ना, इसकी डेथ हो जाती है. अब आप मुझे बताइए पॉज करके वीडियो कि किसकी गलती है, ए की या फिर बी की. ज़्यादातर लोग आपके दिमाग में यही बात आएगी कि भाई ऑब्वियसली मैम ए की गलती है बिकॉज इसने इस बच्चे को मार दिया. लेकिन अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इस पूरी सिचुएशन का उसे समझने की कोशिश करिए. हर चीज़ के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं. यहाँ समझिए कि अगर यही लड़का बी के सामने आ जाता ऑब्वियस सी बात है कि सेम स्पीड पे सेम गलती के कारण इसकी मौत भी हो सकती थी यहाँ पे भी. बट चूंकि ए के सामने आया इसलिए यहाँ पे गलती किसकी हो गई, ए की, और ए को यहाँ पे ब्लेम किया गया. तो इसका मतलब क्या हुआ
ऐसी सिचुएशन में मतलब हुआ कि बी जो है ये मॉरली लकी था, ये इसकी मॉरल लक थी कि इसके सामने लड़का नहीं आया। इस बात को समझे। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल और आपको देना चाहती हूँ उसके लिए। ऐसे सपोज करो कि यहाँ पे कुछ बच्चे मैच खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल जो है वो उड़ के चली जाती है। यहाँ जो बैट्समैन है उसने बैट से बॉल मारी और बॉल जो है वो उड़ के उड़ के उड़ के चली गई। यहाँ पे एक रोड जा रही है, यहाँ से एक इंसान जा रहा है, उसकी कार पे लड़ गई और इस कार पे बॉल को लड़ने की वजह से इस कार का शीशा फूट गया। तो ये बंदा आता है इस बच्चे के पास और इससे कहता है कि चलो अपनी मम्मी के पास में, और इसकी मम्मी से जाके शिकायत करता है, डांट वाट पड़वाता है। बट यहाँ पे अगर देखें तो जो बैट्समैन है उसकी इसमें क्या गलती, उसने जो बॉल को फेंका उसने इंटेंशनली किसी कार के शीशे को फोड़ने के लिए नहीं फेंकी थी, बट चूंकि वो बाय मिस्टेक जाती है और लड़ती है और इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे इसकी बुराई हो जाती है। तो जो सामने वाला बंदा है उसकी तारीफ हो रही है कि देखिए बाकी बच्चे भी खेल रहे हैं, इन्हीं से कैसे आ गए, इसलिए बाकी बच्चे क्या हो रहे हैं मॉरली रखी। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे, आप जो मैंने आपको पूरी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आप समझ रहे होंगे। तो आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि ड्राइवर ए है और वो भी रेड लाइट पर चलता है, बच्चा स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है, वो कोशिश करता है कि वो ना मारे बच्चे को, लेकिन बच्चा जो है वो उसको पड़ जाती है टक्कर और बच्चा मर जाता है। लेकिन बी ड्राइवर भी सेम रेड लाइट को क्रॉस करता है, कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा होता बच्चा वगैरह, और वो ट्रैफिक टिकट पा देता है, आराम से टिकट से निकल जाता है। तो मॉरली लकी है, समझे। बहुत अच्छे एग्जांपल से मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी है। अब चार तरह की मॉरल लक के बारे में भी आपको बताती हूँ। एक है रिजल्टेंट मॉरल लक, कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब रिजल्टेंट मॉरल लक ये कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करती है एक्शंस की, सिचुएशन की। फिर आती है सर्कमस्टेंशियल मॉरल लक, जिसमें सर्कमस्टेंशियल मॉरल लक कंसर्न्स द सराउंडिंग ऑफ द मॉरल एजेंट, जो आसपास का मॉरल एजेंट का, जो हमने सेकंड एग्जांपल दिया था उसके थे। फिर आती है कॉन्स्टिट्यूटिव मॉरल लक, कॉन्स्टिट्यूटिव मॉरल लक कंसर्न्स द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ अ मॉरल एजेंट। और चौथी होती है कॉजल मॉरल लक, मतलब कॉजल मॉरल लक विच इक्वेट लार्जली विद द प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल इज द लीस्ट डिटेल ऑफ वराइटीज दैट थॉमस नेगल डिस्क्राइब्स। तो इन्होंने ये चार तरह के मॉरल लक के बारे में बताया। आई होप आपको ये वीडियो मेरा बहुत शानदार और अच्छा लगा होगा, और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।